नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवा डाइट मोड़ा अंबाला से। आज की वीडियो में हम सीखते हैं पेपर क्राफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये A3 साइज की शीट है, पेस्टल शीट A3 साइज, और ये है A4 साइज की फ्लोरोसेंट शीट। फ्लोरोसेंट शीट साइज में और जो शीट का पतलापन है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीज़ें भी जब हम पेपर से कुछ बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम कौन सा साइज यूज कर रहे हैं, उससे हमारा जो साइज है वो कितना बड़ा बनेगा क्राफ्ट का। और दूसरा, शीट अगर पतली है तो वो कम टाइम तक चलेगा, आपका क्राफ्ट वर्क वो दब भी सकता है, खराब भी हो सकता है। और अगर शीट मोटी है तो आपका जो पेपर क्राफ्ट वर्क है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। शीट्स मैंने ले ली हैं ऑरेंज कलर की। यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने फोल्ड करना है इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल शीट को रख लेंगे। हॉरिजॉन्टल शीट को रख के उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करके देन उसको फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे। देन एक बार फिर फोल्ड करके, जैसे आप बचपन में फैन बनाया करते थे, उस तरीके से हमने इसको फैन की शेप बना लेनी है। ये हमारे पास क्रीज आ गई है। क्रीज देने का फायदा ये है कि, और पर्पस भी है कि, हमारे जो है वो इक्वल पार्ट्स में हमारा जो शीट है वो डिवाइड होगी और जो फोल्ड है वो हमारे एक्यूरेट आएंगे। कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके से नहीं आएगा। जैसे हम फैन करते हैं, बनाते हैं, उस तरीके से क्रीज आ चुकी है। अब हमने इसको वापस से फोल्ड कर लिया है इक्वल साइज ध्यान में रखते हुए यहाँ पर। तो ये हमने इस तरीके से, मैंने ये पहले से ही करके रखा था, दो फैंस यहाँ पर तैयार हैं। अब यहाँ पर मैं इसको मार्किंग करूंगी जहां से मुझे कट करना है। ध्यान रखना है कि जिस तरफ ओपन है उसे अपनी राइट साइड रखिए। और यहाँ पर एक मैंने कट, यहाँ यहाँ पर मेरे को एक बार सीजर से यहाँ कट करना है। एक मेरी यहाँ पर कट होगा और एक यहाँ, देन एक मेरा यहाँ। इसी तरीके से मैं दोनों में यहाँ पर मार्क करके कट कर लूंगी। तो ये ध्यान रखना है, पहले जहाँ से ओपन है मैं एक को आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरा हमने सेम साइज का ही करना है। दोनों के अंदर हमारी जो शेप्स हैं, जो साइज है, वो सेम होने चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये आपने देखा, इस तरीके से मैंने कट लगा लिए, हमने इसको ओपन कर लिया। देन अब ये ध्यान रखना है कट करते हुए कि जो ये शीट ओपन हो रही है हमारी, नीचे भी वही शीट जो ओपन हो रहा है हिस्सा, उसको हमने रख कर और प्रॉपर हमने इसको रख दिया। देन अब ये दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है कि एक कट तो हमारा राइट साइड से है और फिर जो बाकी के तीन कट हैं वो हमारे लेफ्ट साइड से हैं। तो इस तरीके से आपने फिर से मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद सिंपल, आप चाहें तो पूरे को मार्क करके कट कर लीजिए या फिर इसको फिर से फोल्ड किया एंड देन इसको वैसे पहले की तरह कट कर लिया। अब ये हमारे दोनों पीस इस तरह से कट के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमने इसको स्टापल कर देना है। देन अब यहाँ फोल्ड हमारे हमने इसको मिलाते हुए बहुत ध्यान से, हमारा ऐसे स्टेपल हो गया। फिर हमने इसको यहां से जोड़ दिया। इसको जहां जहां पर ये ओपन है वहां वहां पर हम इसे आपस में जोड़ लेंगे। बहुत ही सुंदर क्राफ्ट वर्क बन के ये तैयार होता है।
तो ये कितना ही सुंदर क्राफ्ट वर्क तैयार है, पेपर क्राफ्ट। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दो पहले ही बनाकर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने डोरी का यूज किया है, ये मेरी जूट की डोरी है। आप चाहें तो बारीक डोरी कोई और भी यूज कर सकते हैं, ऊन कोई आपके पास रखी हो आप वो यूज कर सकते हैं, पेपर की डोरी भी आती है मार्केट में आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो यूज करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और आप चाहें तो किसी दूसरे कलर का सर्कल भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसकी दो साइड्स हैं, तो हमें एक ही तरीके की साइड को फ्रंट में रखना है, चाहे आपको जो साइड आपको अच्छी लगे उसे आप रखिए। और यहाँ पर इसी के अंदर, क्योंकि डिजाइन में से डोरी को हम आराम से निकाल सकते हैं, तो मैंने यहीं से डोरी को निकालते हुए, ये चाहे आप सिंगल सिंगल हैंगिंग तैयार करें, चाहे आप इससे पूरा का पूरा आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। और आप इस तरीके से लड़ी बनाते हुए लंबी लड़ी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।